दक्षिणी राज्य केरल में अभी भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते आ रहे हैं। सोमवार को पिछले 24 घंटे में केरल में कोरोना वायरस के 7,000 से भी कम केस सामने आए हैं। इस दौरान 53 लोगों की मौत भी हो गई है। केरल सरकार के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य में 6,664 मामले सामने आए हैं, जबकि 53 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 9,010 लोग कोरोना संक्रमण से रिकवर हुए हैं। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 74,735 हो गई है, साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 28,873 हो गई है। इस दौरान राज्य में 61,202 लोगों के सैंपल टेस्ट किए गए हैं। इस बीच ये भी कहा गया है कि केरल में बुधवार को सिनेमाघर फिर से खुल जाएंगे। हालांकि मलयालम फिल्मों वाले स्क्रीन शुक्रवार से शुरू होंगे। हालांकि सभी सिनेमाघर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। साथ ही उन्हीं लोगों को सिनेमाघर में प्रवेश दिया जाएगा जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।